सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार। सो आज बहुत दिनों बाद समय मिला वीडियो बनाने का। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। तो आप कैसे और क्या खादें डालें अपने बगीचे में। उससे पहले हमको ये समझना होगा कि क्या खाद कैसे प्लांट पे रिएक्ट करती है, क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है और किस तरह वो प्लांट को बढ़ने में, फ्रूट को बढ़ने में मदद करती है। तो सबसे पहले जो मैं कई बागवान लोगों से मिला जो सेब की खेती कर रहे हैं M9 पे या ड्वार्फ रूट स्टॉक्स पे, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा निर्भर हैं गोबर खाद पे। तो गोबर खाद डालना सही है। नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है गोबर खाद में, तो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में चाहिए पेड़ को। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ लेनी है। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन डालने से ही काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि पेड़ को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है, हम केवल सुबह शाम रोटी खाएं तो हमारी ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। हमें फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए। तो उसी तरीके से प्लांट को भी हर तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसमें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मात्रा में पेड़ को चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में पेड़ को चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे मेनली आते हैं NPK, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बोलते हैं, तो जो प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। प्लस इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन इत्यादि, आयरन। ये सब चीज़ें प्लांट को कम मात्रा में भी मिलेंगी तो वो काम चला लेता है। तो जैसे आजकल क्या करें, या अब हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट हो चुका है, हमने फल तोड़ लिया है, उसके बाद क्या होता है कि अब पत्ते झड़ने का टाइम आ गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि पत्ते यहाँ पे कुछ पीले पड़ने लग गए टिप से, ये देखिए। तो ये स्टेज में आप समझ जाइए कि अब प्लांट जो है अपने पत्ते गिराना चालू कर देगा। तो ये सही समय है प्लांट को नाइट्रोजन देने के लिए। तो इस समय पर आप अपने प्लांट को नाइट्रोजन दें ताकि वह अगले साल के लिए इसको स्टोर करें, क्योंकि अब जो भी नाइट्रोजन जाएगी इसमें वो इस नाइट्रोजन को स्टोर कर लेगा अपने अंदर। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब अगले साल आप बड ब्रेकिंग होगी तो उसके पास भरपूर नाइट्रोजन होगा अपने डेवलपमेंट के लिए, प्लांट डेवलपमेंट के लिए। अगर आप यही नाइट्रोजन थोड़ा पहले दे देंगे फ्रूट जब हम तोड़ते हैं उसके जस्ट बाद में, तो नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ में ले लेगा प्लांट और उससे ये होगा कि वो स्टोर जो है उसका स्टोर हमेशा खाली रहेगा। तो ये सही समय है नाइट्रोजन देने के लिए। इस टाइम पे आप नाइट्रोजन दें और ताकि प्लांट इसको अगले साल के लिए स्टोर करके रखे और जब भी बड ब्रेक हो अगले साल तो उस टाइम पे प्लांट के पास भरपूर नाइट्रोजन है। क्योंकि अगर उस टाइम पे हम जब बड ब्रेकिंग के टाइम पे नाइट्रोजन देंगे तो प्लांट को अपटेक करने में बहुत थोड़ा समय लगता है, तो वो उतनी जल्दी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, काम में नहीं लेके आ पाएगा। तो अभी से अगर उसके पास स्टोर होगा, जाड़ों में वो स्टोर करके रखेगा और जब बड ब्रेक होगी तो उसको एकदम से इस्तेमाल में ला सकता है और जो भी प्लांट की ग्रोथ है, नाइट्रोजन जिस चीज़ के लिए भी चाहिए वो उसको उस तरीके से अपने डेवलपमेंट में, अपने प्लांट की ग्रोथ में उसको काम में ला सकता है। तो ये अब ये है कि हर जगह अलग अलग समय है डोरमेंसी में जाने का प्लांट का। कहीं पहले गर्म इलाकों में लेट जाता है और कहीं पहले चला जाता है। तो हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो आप भी देखें अगर आपके यहाँ ऑलरेडी जा रहे हैं पत्ते तो जल्दी से इसमें नाइट्रोजन एप्लीकेशन करें। और जहाँ पे लेट पे जाता है तो ध्यान रखें कि कब पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो रहे हैं। टिप से आपको समझ में आ जाएगा कि पत्ते पीले होना चालू हो रहे हैं, सबकी सबसे पहले टिप में ही पीलापन दिखना लगता है। तो उस टाइम पे हमने जीवामृत बना रखा है जो हमारा 2-3 दिन में बन के रेडी हो जाएगा, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो की कैसे बनाया है हमने। तो जीवामृत हम डालेंगे 2-3 दिन में, इसमें एप्लीकेशन कर देंगे और उसमें सारा नाइट्रोजन और प्लस उसमें अलग अदर न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो हम जीवामृत का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि हम कन्वेंशनल फार्मिंग या हम बाज़ार की खादों का कम ही उपयोग करते हैं, बहुत कम। आज के लिए इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।